कर्मा वाचा मनसा सब अलाइन करना चाहिए। ऐसा ना बेटा, पहले एक बात क्लियर हो इस सारे रूम को कि ये जो फिल्मी टाइप ग्लैमर दिखता है ना, ये रियलिटी नहीं होती है। और जहां आप थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए निकल गए तो आप झूठ तो नहीं बोल सकते। Why should you be selected as a civil servant? इसका सिंपल आंसर है, बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिएगा, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, ओबीडियंस, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन, डायनेमिक, मॉडर्न, इमेंसिपेटेड, रेडी टू एकोमोडेट ऑल द क्लासेस एंड कम्युनिटीज, नॉट कम्युनल, नॉट डॉगमेटिक, नॉट कंजर्वेटिव। ये बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिएगा इंटरव्यू में कोई भी आंसर देने से पहले, बेसिक प्रिंसिपल्स ये है। आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर जब आंसर होगा तो क्या करेंगे। तो आज का सेमिनार अटेम्प्ट करके कैसा लगा, क्या कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, क्या कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मैम ने मोटिवेट किया, इंस्पिरेशन दिया हम लोग कैसे आगे एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए मैम ने बहुत मोटिवेट किया। अच्छा लगा आप सबको देख करके, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है एंड यू हैव स्टेप्ड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। मैं चाहती हूँ कि यहाँ बच्चे ही बोले और किस बच्चे को क्या अपनी तैयारी में कैसे इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पहले वो आप जल्दी से सारे लोग बोलिए, फिर उसके बाद जहां तक हो सकेगा मैं उसको आंसर करूंगी। बच्चे बोले, हाँ बोल। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, वो इंजीनियरिंग मतलब किस बेसिस पे उसका क्वेश्चन आ सकता है प्रशासनिक सेवा में लेके, इसके बारे में जानकारी। इंटरव्यू की बात आप कर रहे हैं, मेंस के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि जैसे क्या आपको तैयारी का स्ट्रेटजी होना चाहिए। और बच्चे गुड आफ्टरनून मैम, मेरा विनोद कुमार है, मेरा क्वेश्चन है, मैं 2017 में ग्रेजुएट किया हूँ और उसके बाद तैयारी में ही लगा हूँ, तो इस दौरान में मुझसे क्या पूछा जाए कि आप इतना समय तक क्या कर रहे थे? चलिए हम लोग एक एक करके आंसर करते हैं। सबसे पहले एक बच्चे ने पूछा कि आपको क्या जवाब देना है कि आप इतने दिन से बैठे हुए थे। देखिए मेरा मानना है इंटरव्यू में है कि कर्मा वाचा मनसा सब अलाइन करना चाहिए, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप करते दिख रहे हैं, क्या आप करेंगे, कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं, बोलने का भी तरीका, बोलने की बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का एक्सप्रेशन, आपके हाथ का एक्सप्रेशन, सब बिलीवेबल होना चाहिए। और मनसा जो आपके मन की है वो वही दिखनी चाहिए, वही लगनी चाहिए जो एक अच्छे सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड है और जो आप बोल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, जैसे आपने भी पूछा कि हमें बना के बोलना चाहिए कि हम क्या आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए या आपने क्या किया, कितने दिन क्या किया, तो इस आंसर को आपको मॉडरेट करके अपनी जो भी आपने अगर कुछ गलत किया या अगर आपने टाइम वेस्ट किया, अगर आपने कोई और जॉब किया या अगर आपने कुछ और एक्टिविटी की, तो वो बोलना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो वो भी बोलना पड़ेगा। जैसे अगर आप सपोजिंग बोल दें कि मैंने एज ए सेल्स पर्सन यहाँ काम किया, तो आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं अगर आप झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपको वो फिर उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछेंगे, वहाँ की डिटेल्स पूछेंगे। और जहाँ आप थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए निकल गए या जहाँ थोड़ा सा भी ब्लफ करते हुए निकल गए, आप इट इज गोइंग टू बी अ बिग नो, वेरी बैड इट गोइंग टू बी, तो आप झूठ तो नहीं बोल सकते। आप ये समझिए कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो मतलब आपसे 50 गुना ज्यादा एक्सपीरियंसड हैं, समझदार हैं। आप ऐसा एक आदमी देखते हैं तो वो आप जैसे 1000 कैंडिडेट देखते हैं, 20-20 25-25 साल की सर्विस है, 25 साल की सर्विस में एक साथ 1000 आदमी को डील करते हैं, है ना। आई एम अ मदर एंड आई टेक प्राइड इन दिस फैक्ट, ये भी एक मदर बैठी है, बच्चा फोन पे खाली मम्मी बोलता है ना, मम्मी समझ जाती है कि कुछ अच्छा है, कि कुछ बुरा है, कि कुछ छुपा रहा है, कि कुछ झूठ बोल रहा है। बच्चा फोन ही उठाता है, बोलता है मम्मी, बस उसी से पता चल जाता है, मम्मी पैसा चाहिए, कि कुछ प्रॉब्लम है, कि एग्जाम है, कि दुख है, कि खुशी है। कैंडिडेट की हर बात सामने इंटरव्यू मेंबर जो बैठा होता है, बोर्ड जो होता है, वो समझ जाता है। तो झूठ तो आप बोल ही नहीं सकते, आपको बोलना पड़ेगा आपने क्या किया। अगर आपने टाइम ज्यादा लगाया तो आपको कहना चाहिए कि सर मुझे उतनी गाइडेंस नहीं मिल सकी, मुझे राइट अप्रोच नहीं पता चल सकी, मुझे किसी चीज़ में, मैं अन्य किसी चीज़ में बिजी था, या मैं अपना माइंड नहीं मतलब कंसंट्रेट कर पाया फॉर वेरियस रीजंस। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी और बोल करके अपनी कहीं ना कहीं गलती को एक माइल्ड फॉर्म में जस्टिफाई करते हुए आपको ये आंसर देना पड़ेगा।
व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड एज अ सिविल सर्वेंट, इसका सिंपल आंसर है दैट आई एम अ हार्डवर्किंग पर्सन, आई एम एन अवेयर पर्सन, आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, व्हाट आई कैन स्पेशली गिव टू माई सिस्टम अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वट आई हैव सम एक्स्ट्रा आई मीन एबिलिटी देन मोर देन अदर पीपल. अगर आपकी कुछ है, सपोजिंग यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो यू शुड से दैट आई एम अ टीम प्लेयर, आई नो हाउ वट इज द विनिंग स्पिरिट ऑफ अ गेम, आई नो वट इज वट हाउ वन कैन आई मीन कंसनट्रेशन कैन हेल्प विन मेडल्स, सो ऑल दीज थिंग्स यू नो. बट आपकी आपकी कोई स्पेशलिटी है उसको आप प्रूव कीजिए, आपकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसको यूज कीजिए. सपोजिंग यू आर अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, चलो as vague as an anthropologist, let us take. हम तो आपको फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहे, सिविल इंजीनियर की बात ही नहीं कर रहे, डॉक्टर की बात ही नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं, हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं. सपोजिंग यू आर समथिंग लाइक एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सो यू शुड से कि अपार्ट फ्रॉम दैट सर आई विल हैव आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ से द लोकल पॉपुलेशन ऑफ दिस झारखंड. And then I can contribute in this way, that way, that way, that way. This will be best told in the manner in which you have done your studies. I am not best qualified to tell you कि आप एक anthropologist का क्या use झारखंड में हो सकता है. Anthropologist का तो बहुत ही बड़ा use हो सकता है ना, because anthropology studies the development of various cultures, various races and all these things. तो यहाँ झारखंड की race क्या है ये वो, you can have a lot of contribution. तो उस तरह का answer उस तरह की चीज़ों से देना पड़ेगा. और कुछ एक बच्चा और कुछ बोल रहा था, एक तीसरा क्वेश्चन था कुछ इसके अलावा. तो ये सब आंसर्स जो हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हो, जितने भी आपके आंसर हो, ट्रूथफुल हो, बिलीवेबल हो, आपकी कन्वे करने की स्टाइल अच्छी हो जो कि आपको सही लगे, किसी भी हालत में आप झूठ बोलते हुए नहीं पकड़े जाएं, सिंसियर दिखें, इंटेलिजेंट दिखें, और आपकी एजुकेशन कहाँ मतलब यूज़ होगी ये आप दिखे, आपकी एजुकेशन को आप कहाँ ला सकते हैं वो दिखे, और आपकी क्या कमी है वो भी अगर आपको माइल्ड फॉर्म में विद एन एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करनी पड़े तो वो भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए. आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एज एन इंजीनियर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैंने तो आपको बताया ना, अब यही क्वेश्चन होगा आपका. आपको तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है. पहले तो आपके यहाँ PSUs हैं, मोस्ट मिनरल रिच स्टेट है, और आप एज एन इंजीनियर आप किस डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप क्या इंजीनियरिंग है आपकी, क्या ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो फिर यहाँ पे तो आपके PSUs को आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एज एन मैकेनिकल इंजीनियर ऑब्वियसली यू नो मोर अबाउट से सिविल पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मोर देन एनीबडी, मोर देन मी हु इज नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि मैं वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. आपको हार्ड कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे जहाँ तक मेरा चांस है, बट समटाइम्स दे डू कीप स्टूडेंट्स इन बैचेस जहाँ पे हार्ड कोर आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, वो ऐसा बैच बना देंगे हार्ड कोर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ लेंगे, उस सब्जेक्ट के उस पैनल के एक्सपर्ट्स को ले आएंगे और आपको वैसा क्वेश्चन कुछ पूछ लेगा. बट इस पे आपको प्लान करके जाना ही चाहिए कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर के फॉर्म में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टेट के लिए. तो यू कैन ऑलवेज से कि हम ओवरऑल अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े. फॉर एग्जाम्पल मे बी कंप्यूटर्स और यूज और टेक्नोलॉजी समवेयर इट मस्ट हैव बीन यूजफुल देयर. Somewhere you would know more in civil engineering. Somewhere you would know more than other people in electronics and electricals, electrical circuits and these things you would have studied. वो आप government के काम में contribute कर सकते हैं. And apart from that, you should always say, sir, apart from them, that I would always be as good a hand as anybody else. I am hardworking. I am intelligent. I am dedicated. I am ready to learn. I am ready to be disciplined. I am obedient. I am compliant. So, sir, and apart from anybody else. ये है. और सर मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपकी स्पेशली रैंक्स अच्छे थे, मार्क्स अच्छे थे, तो आप उसको हाईलाइट करें कि सर वो मेरा आप गौर फरमाएं. तो आप देखें कि आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, आई हैव ऑलवेज पुट इन लेबर, आई ऑलवेज डिड माय बेस्ट इन वट एवर एरिया आई परफॉर्म. तो वो सारी चीज़ों को यूज़ करें, आप हाईलाइट करें. सो यू वुड हैव टू यूज टेक्निकल आस्पेक्ट्स ऑफ वट एवर यू हैव लर्न एज अ गुड मैनेजर, ठीक है. एंड यू वुड हैव टू यूज दोज टेक्निकल जार्गन्स ऑल्सो. You would have to learn how to put your answer in a way that it is obvious that you have worked as an engineer and as an MBA. ठीक है. आप एक बात समझो कि जो बच्चा जहां से जिस बैकग्राउंड से आता है उसको उसी के हिसाब से जज किया जाता है. एक बच्चा अगर 22 साल का है और ग्रेजुएशन करके सीधा चला आए गांव से, उसको उतना ही जज करते हैं. एक बच्चा जो मैकेनिकल इंजीनियर है, MBA किया है, नौकरी करके आया है, तो उसको उतना ही जज करके. तो फिर आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. And how do you think that a mechanical engineer can help in organizational behavior? What do you think team building? What do you think your job as a mechanical engineer will help in top team building?
Do you think a machine is a good representative of team builder? And do you think Jharkhand bureaucracy will help as a team builder? ये सारे questions आपके होंगे. And then you cannot answer it like a layman like me. Then you have to answer it as a way, in a way that you know more than me. ठीक है? देखिए आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पुलिस के जॉब में इकोनॉमिक ऑनर्स की क्या इम्पोर्टेंस है. आपसे पूरे झारखंड के स्कोप में पूछेंगे और आपसे ब्रॉडली क्वेश्चन जो है ना वो झारखंड के इकोनॉमी को रिव्यू करने के बेसिस पे होंगे कि हाउ कैन वी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस, व्हाट इज झारखंड में क्या लैगिंग है, कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम इसके इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आपका मतलब हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट एज अ सिविल सर्वेंट बेसिकली रादर देन एज अ DSP टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ झारखंड. अब आपको तो सारा चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगेन व्हाट आई टोल्ड हिम इन योर टर्म्स विच प्रूव दैट यू आर अ पर्सन हु इज वेल रेड इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो आपको तो बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब आपके रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज का कितना यूटिलाइजेशन है, उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज द करंट डेफिसिट, हाउ इज द बजट, व्हाट इज द आई मीन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, ये सारे में आपको फैक्ट्स फिगर्स प्रूफ और वो सब करके आपको अपना आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन दोज टर्म्स. एज अ DSP आप इकोनॉमिक्स में दैट क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट. अगर कोई वो क्वेश्चन पूछता है इसका मतलब वो इंटरव्यूअर भी उतना स्टूपिड है जितना होने की नहीं जरूरत है. ऐसे पूछेगा तो बजट प्लानिंग करेंगे हम पुलिस डिपार्टमेंट का और क्या. ऐसा ना बेटा, पहले एक बात क्लियर हो इस सारे रूम को कि ये जो फिल्मी टाइप ग्लैमर दिखता है ना ये रियलिटी नहीं होती है. असली पुलिस ऑफिसर सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे जैसा नॉन ग्लैमरस बूढ़ा मोटा होता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये जो आप सोच रहे हैं कि मुझे गैलेंट्री मेडल मिले, मैं गैलेंट्री करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये सब ऑकवर्ड, ये सब अनइंटेलिजेंट लगेगा वहाँ पे. एक अच्छा पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अगर पुलिस के काम की अगर पुलिस के काम की डिस्क्रिप्शन बताएं तो एक पुलिस के काम की क्या डिस्क्रिप्शन होती है, कैन यू टेल मी इन वन लाइन? नहीं, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम यू शुड से. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम. आप एक बात बताएं, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर इस स्टेट में आपके पास 3,000 से ऊपर पुलिस ऑफिसर है, उस 3,000 पुलिस ऑफिसर मिलके स्टेट का इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को देख रहे हैं, क्या सबको गैलेंट्री मेडल मिलना चाहिए? अगर इतना गैलेंट्री मेडल मिलने लग गया तो मतलब इतना प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है फिर तो. तो आप कभी भी कोई आंसर देंगे पुलिस से संबंधित या सिविल सर्विस से संबंधित, पहले तो ग्लैमर को एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा. बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिएगा, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, ओबीडियंस, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन, डायनेमिक, मॉडर्न, इमेंसिपेटेड, रेडी टू एकोमोडेट ऑल द क्लासेस एंड कम्युनिटीज, नॉट कम्युनल, नॉट डॉगमेटिक, नॉट कंजर्वेटिव. ये बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिएगा इंटरव्यू में कोई भी आंसर देने से पहले. बेसिक प्रिंसिपल्स ये है, देखो फाइनेंस सर्विस के बारे में मैं ब्रॉडली इनको बता चुकी हूँ, है ना. आपको इकोनॉमिक्स ऑफ झारखंड अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, समस्याएं, सॉल्यूशंस, हाँ, और हाउ डज दिस, हाउ इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए और उसका पर्याप्त आपके पास फैक्ट्स फिगर्स और आंसर होने चाहिए. आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे जब आंसर होगा तो क्या करेंगे, है ना. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन या आपको कभी उकसाया जाए या कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि ये चॉइस भी ठीक नहीं है, वो चॉइस भी ठीक नहीं है, ठीक है. जैसे ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है या ह्यूमन राइट्स का टू मच ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ इम्पेडिमेंट इन पुलिस ड्यूटीज, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, शायद नहीं पूछा जाएगा, उसको पूछा जाएगा जिसकी पॉलिटी की या ह्यूमन राइट्स की कोई बैकग्राउंड है. कोई है जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी का बैकग्राउंड है जिसका? ऐसा कोई नहीं, ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए या सपोजिंग ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप समझते हैं कि ईडी जो है वो इस देश में अस्थिरता फैला रही है, सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको बेसिकली नैप करने के लिए होते हैं. और जैसे हम लोग
फ्लाई पेपर से चोरी से मक्खी को मारते हैं ना, ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं, ऐसे होते हैं सब। ऐसे क्वेश्चंस का जनरली आंसर ऐसे देना पड़ता है कि आप सोचिए व्हाट इज द आइडियल इन दैट सिचुएशन। अगर ह्यूमन राइट्स है तो उसका आइडियल क्या है? आइडियल ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, हर आदमी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसी के अगेंस्ट फिजिकल अब्यूज नहीं यूज होना चाहिए, पुलिस को थाना में पकड़ के किसी को अनलॉफुल डिटेंशन अनलॉफुल अरेस्ट नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, ऑल कास्ट कम्युनिटीज शुड हैव इक्वल स्टेटस, ह्यूमन राइट्स के पार्ट आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है दैट राइट टू लाइफ को इतना ह्यूमन राइट्स के साथ रिलेट कर दिया है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर लाइवलीहुड होना चाहिए, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आइडियल सिचुएशन क्या है आपको पहले उसको बताना पड़ेगा कि सर आइडियल सिचुएशन ये है और यही होनी चाहिए। नाउ व्हाट अराइजेस इज दीस प्रॉब्लम्स कि पुलिस क्या होती है, समटाइम्स अंडर वर्क प्रेशर, समटाइम्स अंडर लैक ऑफ यू नो प्रॉपर साइंटिफिक वेज टू इन्वेस्टिगेट और लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस और लैक ऑफ प्रॉपर यू नो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, पुलिस वायलेट्स दिस ह्यूमन राइट्स। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टीच देम, गिव देम ट्रेनिंग, give them motivation, give them rewards, give them proper scientific training so that thana mein pakad kar kisi criminal ko pit pit ke puchne ki zarurat na pade, certificates of investigation laga sake, ED ki baat kar le, ED kya hai, ED work, what is PMLA, how does PMLA, how did PMLA come into effect, kisi bhi cheez ki history se padhte hain to uska bahut use hota hai ki PMLA sabse pehle kisme aaya tha, under about terrorism, terrorist ke crimes, अबाउट यू ए पी ए के एक्ट जो हमारे कंट्री में हो रहे हैं। तो ई डी हैज़ वेरियस यूजेस, ये सारे जो क्रिमिनल्स हैं ये पैसे को लेयरिंग करके यूज़ करते हैं, देन दे यूज इट आई मीन फॉर फर्दरिंग देयर क्रिमिनल मोटिव्स। इससे आम जनता को क्या प्रॉब्लम होती है, प्रताड़ना होती है, सिस्टम कैसे वो होता है, मतलब दुखी है, परेशान है लोग, या फिर हाउ अवर इकोनॉमी इज सफरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। बट वेयर एवर इफ ई डी इज मिस यूजिंग इट देन इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, the court should take care of this, the fourth pillar is the press, we should be taking care of, in a democracy there are many ways to deal with it, ultimately the public is the best judge, we will have to look into also the details of the matter, the public should educate, the human rights activists should educate, there should be organizations, there are organizations which are taking care of the production of constitution, so they can educate the people better, people should have a better, people should vote, people should according to their consciousness rather than taking into consideration caste, communities, these things. मतलब basic बात यह है कि किसी चीज का ideal क्या होगा, उस ideal के साथ समस्याएं क्या है और उस समस्याओं को हम कैसे दूर करेंगे, इन तीन parts में ऐसे controversial answer को divide कीजिए और उसको वैसे answer कर दीजिए, generally वो answer सही बैठ जाएगा, 99% वो आंसर सही बैठ जाएगा। जो उस चीज का आइडियल होगा, जो उस आइडियल को तोड़ने की समस्याएं होंगी और उन समस्याओं को डील करने के जो तरीके होंगे, उनको आप तीन पार्ट से उस आंसर को डिवाइड करके आंसर कर दीजिए, वो आंसर जनरली डील हो जाएगा। कोई कोई ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें कि आपको दोनों तरफ की बात बहुत सही और बहुत करेक्ट लगेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कोचिंग सेंटर, चलिए कोचिंग सेंटर को ही लेते हैं, आप शिक्षा के तो चलिए कोचिंग सेंटर की बात कर लेते हैं। अब कोचिंग सेंटर क्या है, कोचिंग सेंटर एक ऐसी चीज है जो बेसिकली एक तरफ हर डिजायरस बच्चे को, हर बच्चा जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर ड्रीम है और जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसको हेल्प करता है, एड करता है, मोटिवेट करता है, मटेरियल देता है, गोल देता है ना, और उसको तैयार करता है अपनी लाइफ की जर्नी के लिए। ऑन द अदर हैंड इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग इनइक्वालिटी, जिस बच्चे के पास पैसा नहीं वो नहीं आ सकता। आपको पता है चाइना में सारे कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए, चाइना द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अबाउट द लेजिस्लेशन, देयर इज अ लॉ नाउ देयर, नो कोचिंग, कोचिंग इज नाउ इलीगल इन चाइना, व्हाई, बिकॉज दे सेड इट इज अगेंस्ट सोशलिज्म, इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी। सो नाउ दीज आर टू प्रिंसिपल्स, टू आइडियाज, और ये दोनों एकदम बराबर है। अब इसमें आप किसको सही मानेंगे, किसको गलत मानेंगे, एकदम सही वे करेंगे, ऐसे में आपको क्या आंसर देना पड़ता है? ऐसे में पहले आप सबसे पहले लीगल सिचुएशन को स्टेट कीजिए कि देखिए सर हमारी कंट्री में ये लीगल सिचुएशन है, सो ऑब्वियसली वी हैव, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस एंड वी एज द पीपल हु हैव बीन ब्रॉट अबाउट इन दिस सिस्टम, वी अबाइड बाय दिस, वी बिलीव इन दिस एज अ सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो आई डू बिलीव इन दिस बिलोंगिंग टू दिस सेम सिस्टम। ऑलवेज इन एन इंटरव्यू you show yourself as a person who is belonging to the system, who is well entrenched into system, who is ready to fall in line with the system,
तो आपको आज का सेमिनार अटेम्प्ट करके कैसा लगा, क्या कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, क्या कैसे फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज का जो सेमिनार रहा वो हमारे लिए बहुत ही एक तरह से सकारात्मक ही रहा। मैं देख रहा था आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैम से पूरा लगातार पूछे जा रहे थे, कैसा फील हुआ क्वेश्चन पूछ के, क्या कुछ आपको जानने को मिला, क्या आप सेटिस्फाई हैं? यस, मैं तो सेटिस्फाई हूँ। या इट वॉज वेरी गुड, और यहाँ पे आकर के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें से मुझे पता चला कि हमको इंटरव्यू किस तरह से टैकल करना है, और मुझे ये भी पता चला कि अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं उसको किस तरह से टैकल करना है। फॉर एग्जांपल कल एक क्वेश्चन आ गया था जैसे UCC का लेकर के आया, या फिर जो रिलीजियस कन्वर्सेशन को लेकर के आया, तो बोलना है कि इस तरह के जिस तरह से लगे कि आप एक ऑफिसर हैं और ऑफिसर को वहाँ रिप्रेजेंट करना है, ना कि आप यहाँ पर रिलीजियस बायस की तरह आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये सीखने को मिला है, और मुझे लगता है यहाँ पे आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे भी हम लोगों को यहाँ पे फायदा होगा करके। आज का जो सेशन था काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि हमें आज एक ऐसे पदाधिकारी संबोधित कर रहे थे या आइडिया दे रहे थे जिन्होंने सच में एक झारखंड के ऊंचे मुकाम पर हैं, और इनके द्वारा जो भी बताया गया सच में एक इंटरव्यू क्या होता है और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, या फिर झारखंड का जो PCS है या UPSC का में इंटरव्यू के दौरान क्या वेरिएशन आ सकते हैं, या फिर हमारे जो ऑनर्स पेपर हैं उससे कैसे रिलेटेड कर सकते हैं इंटरव्यू को, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीच बीच के हैं, यानी दोनों तरफ में व्यक्ति ये जज नहीं कर पाता है कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, उस दौरान कैसे हम अपने आंसर को ढालेंगे, उससे संबंधित पूरी तरह से बेहतर तरीके से इन्होंने बताया है, और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए लाभकारी भी होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार उपाध्याय। थैंक यू सर। अच्छा था यार, काफ़ी इंटरेक्टिव था और काफ़ी कुछ जानने को मिला, तो इट वाज ओवरऑल वेरी गुड फॉर मी। लाइक क्या जानने को मिला, सकते हैं बता सकते हैं कुछ, कि इंटरव्यू सेशन को किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, रियलिस्टिक रहना है, और आपका हैंड गेस्चर नहीं होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, और बोर्ड मेम्बर जो भी हो उनको सभी को अपना आई कॉन्टेक्ट डिवोट करना चाहिए इक्वली, और मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो पता लगा, तो ओवरऑल इट वाज क्वाइट मतलब बेनिफिशियल था मेरे लिए। आपको पता है सर आप कहाँ पे खड़े, लोकेशन पता है? हाँ भाई जरूर पता है, चाणक्या AS Academy से हैं हम लोग, हजारीबाग झारखंड। थैंक यू।